ये हम क्या जाने, हमने तो हमेशा आजादी में सांस ली है। गुलामी क्या है ये तो वो ही बता पाएंगे जिन्होंने आजादी के लिए कुर्बानी दी है। नमस्कार, मैं आस्था। मैं सीमा। आज हम सभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर अतुल्य भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं कुछ विद्यार्थियों को प्रतिज्ञा के लिए आमंत्रित करती हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस सभा में एतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मअर्पित। धन्यवाद। A very good morning to respected teachers and my dear friends. Today I, Shruti, from class 9th. Today I will take the pledge on the Constitution of India in front of you all. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute of India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Thank you. भारत के गणतंत्र का सारे जग में मान, दशकों से खिल रही उसकी अद्भुत शान, सब धर्मों को देखकर मान रचा गया इतिहास, इसलिए हर देशवासी को इसमें है विश्वास। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अवनी को अतुल्य भारत पर अपने कुछ शब्दों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अवनी है, मैं कक्षा 2 की छात्रा। आप सभी के सामने मैं अतुल्य भारत के बारे में बताने जा रही हूँ। अपना भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए यहाँ अलग अलग धर्म की अलग अलग संस्कृतियाँ मौजूद हैं। यहाँ साल के 12 महीने सभी धर्म के अलग अलग त्योहार भी होते हैं। हालांकि त्योहार के अलग होने के बावजूद भी सभी धर्मों के लोग इन्हें मिलजुल कर मनाते हैं। इसी अनेकता में अनेकता होने से भारत अतुल्य भारत बनता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है,
हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। अब मैं ज्योति को उसकी डांस की प्रस्तुति के साथ आमंत्रित करती हूँ। सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती सवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जब तक दिल में जान है। अब मैं नैतिक को अपनी कविता के साथ आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम नैतिक है, मैं कक्षा चौथी का छात्र हूँ। आज मैं आप सबको गणतंत्र दिवस पे कविता सुनाने जा रहा हूँ। प्यारा प्यारा मेरा देश, सबसे न्यारा मेरा देश, दुनिया जिस पर गर्व करे ऐसा सितारा मेरा देश, चांदी सोना मेरा देश, सफल सलोना मेरा देश, गंगा यमुना की माला का फूलों वाला मेरा देश, आगे जाए मेरा देश, नित मुस्कुराए मेरा देश, इतिहासों में बढ़ चढ़कर अपना नाम लिखाए मेरा देश। धन्यवाद। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर करे दुआ, आजादी के दिन आओ करे मिलकर ये दुआ, कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। अब नेहा अपनी डांस की प्रस्तुति लेकर आ रही है। बल्ले कितने हैं? ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आ चल तेरा रहे
मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से राशन तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। बलिदानों का सपना जब सच हुआ तभी देश आजाद हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से यह भारत गणतंत्र हुआ। अब हार्दिक अपनी प्रस्तुति के साथ आ रहा है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज हार्दिक। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग अ स्पीच ऑन रिपब्लिक डे। जनवरी 26 इज द रिपब्लिक डे ऑफ आवर कंट्री। इट वॉज ऑन दिस डेट इन 1950 दैट आवर country adopted the constitution declaring nation as the republic. The Republic Day is celebrated in the form of the parade on the Rajpath in Delhi, the capital of India. The Air Force represent spectacular feats with their aircrafts. The highest military awards are also represented on this occasion of the parade. The children showing exemplary courage selected from all over the country are also awarded by awards. The day of parade begins with the Prime Minister offering homage to martyrs. फिर घुमाते हैं। सुनहरा रंग है गणतंत्र का शहीदों के लहू से, सुनहरा रंग है गणतंत्र का शहीदों के लहू से, ऐसे शहीदों को हम सब सर झुकाते हैं। अब दीपांशा अपनी प्रस्तुति के साथ आमंत्रित है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमनदीप है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं आज 26 जनवरी है और इस दिन को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन सन 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में भारत का संविधान तैयार किया गया। उसी समय हमारा देश गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। इस महान संविधान ने हमें अपने हक और अधिकारों को के लिए लड़ने की ताकत दी है। हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र बनने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। उन सभी शूरवीरों को आज भी हम दिल से याद करते हैं। इसी की रक्षा करना हमारा सभी का हिंदुस्तानियों का परम कर्तव्य है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। देशभक्तों से ही देश की शान है। देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। अब नेहा अपनी कविता की प्रस्तुति लेकर आ रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज नेहा फ्रॉम सेकंड क्लास। आज मैं आप सबको रिपब्लिक डे के बारे में एक पोयम सुनाना चाहती हूँ। मेरा भारत मेरी शान, मेरा भारत मेरी जान, तिरंगा जिसकी पहचान है उसको मेरा सलाम है। भारत जिसका नाम है, ये देश है बलिदान, ये देश है बलिदानों का, ये देश है वीर जवानों का। इस देश की रक्षा हम करेंगे, कभी किसी दुश्मन से नहीं डरेंगे। ये मेरा भारत मेरी शान, मेरा भारत मेरी जान। थैंक यू। सबके अधिकारों का रक्षक अपना ये गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबको इस पर ही गर्व है। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के साथ शगुन आ रही है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलय जशीतलां, शस्य श्यामला मातरम। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम। है हमें जाना कहाँ और चले हैं कहाँ पे हम। हमसे पूछे ये बात रे वतन। तो अपनी बाड़ी को भी
मैं कार्यक्रम में उपस्थित सभी गुणीजनों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। धन्यवाद। ऐसा कोई नहीं है असी नहीं सौ दिन दुनिया घुमा है नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं।